वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज की हमारी डेट है 18 मार्च। 18 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं, साथ ही साथ जो भी इसकी पीडीएफ लेना चाहता है वो ये दिए गए नंबर्स हैं, इस पीडीएफ पे आप इजीली जो है वो ले सकते हो। साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, सारी चीजें यहीं पर ही डायरेक्टली अपलोड की जाती है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सब आपको यहाँ से मिल सकता है। देखते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल के स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना, इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, फिर है कोरल रीफ्स, मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन कंजप्शन इंडेक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर देख लेते हैं। सी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि डायरेक्टली अपने नेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, वेल्थ के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, सारी चीजों पे, राइट? तो अब गवर्नमेंट यहाँ पर स्कीम को चेंज कर रही है, रिवैम्प, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस लाके उसको नए तरीके से लेके आना। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट है, जो कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है। ये स्कीम हमारे प्रिलिम्स के लिए बहुत जरूरी बन जाएगी। स्कीम का नाम है आरपीटॉस, मतलब कि रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस। ठीक है, ये वाली जो पूरी स्कीम है ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक नई पहचान, नई उड़ान तरीके से देने वाली है। और ये स्कीम बहुत ही रिवाइज, मतलब कि नए तरीके से बनाई गई है। इसमें क्या है, 1945 की जो स्केड्यूल एम चल रहा है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के ऊपर, उसको चेंज करके इसके क्राइटेरिया को और ज्यादा ब्रॉड करेगा। और इसमें नई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो भी यहाँ पर यूनिट्स हैं उनको भी इंक्लूड इसमें करने वाला है। ठीक है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाएगा, जिसमें समावेशी, मतलब हर एक को इंक्लूड करने का प्लान होगा। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो 500 करोड़ से कम का टर्नओवर रख रही है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंस के बेटर ऑप्शन होंगे, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, और क्रेडिट लिंक्ड अप्रोच, मतलब कि उनको क्रेडिट जो है वो दे दिया जाएगा। क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे लोन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो नए स्टैंडर्ड्स है, आपको क्या याद रखना है, स्कीम का नेम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री इसके इम्प्लीमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, चाहे आपसे स्कीम का नाम ना पूछे पर डिपार्टमेंट का नाम पूछ लेंगे कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस तरीके से ये एक पूरी स्कीम यहाँ पर आती है और इसके अंदर ये इम्प्लीमेंट जो है वो चीजों को करवाया जा रहा है। इसमें ये भी बोला गया है कि भाई जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा वो बेटर होगा सब जगह पर, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर एचवैक सिस्टम, वाटर की अवेलेबिलिटी, साफ सफाई वाले कमरे, अपशिष्ट उपचार, मतलब कि जितना भी वेस्ट होगा वो लेबोरेटरी को टेस्ट करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको यहाँ पर सपोर्ट करी जाएगी, हर चीज का यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी बोला है कि इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, पिछले 3 वर्षों के लिए कारोबार करने वाली ऐसी फार्मास्यूटिकल इकाई जिसने अधिकतम 1 करोड़ रुपए प्रति यूनिट के अधीन प्रोत्साहन के लिए काम किया है उसके लिए होगा। तो ये सब टर्नओवर्स भी रखे गए हैं, टर्नओवर्स हमसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो इसको मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप डायरेक्टली इसको लर्न करो, क्योंकि टर्नओवर्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस ये है कि मेन आपको स्कीम का नाम पता होना चाहिए, स्कीम के साथ कौन कौन से और चीजें एसोसिएटेड हैं वो पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर अपना इंटीग्रेट करके बना रही है, वेरिफिकेशन करके। तो ये थी एग्जैक्ट स्कीम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिवाइज करने के लिए। ये नई जो स्कीम यहाँ पे लाई गई है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारी ये स्कीम कौन सी है, क्या नाम है, इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स वगैरह हमसे डायरेक्टली एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को भी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मेन मेन जो इसके फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो सारी की सारी लर्न करके जानी है।
ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल्स को सब लोग अच्छे से पढ़ लो, इनको लर्न कर लो कि इन्होंने हमारी कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। तो बेसिक बेसिक ये बात है, फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो सारे ड्रग्स को इन सबको बनाती है, ठीक है, तो प्रोडक्ट को अप्रूव भी करा जाता है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल, एंड देन सेकेंड आर्टिकल इज ऑल अबाउट द रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर, भारत में कृषि कृषि को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए जो है सरकार ने अब वो सॉइल हेल्थ कार्ड करके एक पोर्टल स्टार्ट किया। सॉइल हेल्थ कार्ड की मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन में सॉइल की लैब का रजिस्टर, लैब कहाँ पे लोकेटेड है, आपका सॉइल का जो सैंपल है वो कलेक्ट हो गया, वो टेस्ट हो रहा है, उसके बाद वो कैसे, जैसे हम लोग भी कभी ब्लड टेस्ट कराते, तो ब्लड टेस्ट का भी इस तरीके से हमारे पास अपडेट्स आती है ना मोबाइल फोन में, सारी लैब्स वगैरह अपडेट देते हैं, ऐसे ही सॉइल हेल्थ कार्ड में सॉइल की जब टेस्टिंग होगी तो उसके ऊपर भी सारा कुछ अपडेट हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सारा का सारा डैशबोर्ड बनाया जाएगा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलेगा, फार्मर्स के पास ये ऑप्शन होगा कि वो SMS या मोबाइल नंबर के थ्रू सारा कुछ अपना डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं सॉइल के बारे में सारी चीजें, तो इस तरीके से किया जाएगा। और साथ ही साथ ही सॉइल की जो लैब्स होंगी ये 20 जो है गांव के जितने भी केंद्रीय और नवोदय विद्यालय हैं वहीं पे किया जाएगा, इवन स्कूल्स में बच्चों को और टीचर्स को ये सब भी सिखाया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन स्कूल के प्रोग्राम में भी चलेगी और हर एक स्कूल की स्टूडेंट एक्टिविटीज में इसको रखा जाएगा। 1000 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, एकलव्य, मॉडल स्कूल्स में ये सब प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं एग्रीकल्चर को। तो अभी तक एग्रीकल्चर में ये सब चीजें नहीं होती थी, मतलब होती थी काफी चीजें, पर पर्टिकुलरली ये सब चीजें नहीं होती, ये तो अब उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ 70,000 से ज्यादा कृषि सखी जो है, कृषि वर्कर सखियों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। कृषि सखी में जो एग्रीकल्चर सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड पूरी की जाएगी, राइट। तो ये सब फीचर्स होंगे उसमें, पासवर्ड होगा, प्रॉपर OTP आएगा, कलेक्शन होगा, तो इस तरीके से पूरे के पूरे स्टेप्स यहाँ पे लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज होगी, पूरा का पूरा स्टेप्स लेके सारी चीजें ही यहाँ पर इंक्लूड कराई जाएंगी। ठीक है भाई, इसको आप रीड कर लो। ये थे आपके ये वाला फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आपको वैसे समझा दिया है पूरा, मेन यही चीज था इसमें, यही जो है सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए काफी। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग के ऊपर। देखो भाई, कोरल रीफ्स आप सबको पता है कि भारत में आपको खूब जगह देखने को मिलती है, बीच एरियाज में सबसे ज्यादा आपको ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, इन रीजन्स में मिलेगी कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स जो होती है, अगर वो यहाँ पर उनका ब्लीचिंग होना, ब्लीचिंग मतलब विरंजन, विरंजन मींस उनका डिप्लीट हो जाना या डेथ हो जाना, उसे कहते हैं कोरल रीफ ब्लीचिंग। तो अभी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ है, तो ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, यहाँ पर पड़ती है ईस्ट साइड में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में 2,000 किलोमीटर्स के एरिया में ये फैली हुई है सबसे बड़ी वर्ल्ड की, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। वो अब सीवियरली इफेक्ट हो रही है, और मास ब्लीचिंग, वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन विघटना देखने को मिल रही है। ठीक है, तो काफी बड़े एरिया में ये चीज हो रही है, और ये सब जो है एरियल सर्वेस के थ्रू देखा गया है, रीफ अथॉरिटी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस के साथ मिलकर के पूरी ये चीजों के बारे में जांच पड़ताल की गई है कि ऐसा सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजंस क्या है, सबका कहना है कि भाई कुछ कोरल रीफ्स की यहाँ पे डेथ हो रही है, रीफ अथॉरिटी चीफ साइंटिस्ट का कहना है कि भाई हीट स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, मतलब समर का पैटर्न चेंज हुआ है इस वजह से हो रहा है, कईयों के अलग अलग चीजें। तो देखो, कोरल रीफ्स जो पूरे होते हैं, अब एक अगर है, अगर एक सिंगल है वहां पर तो उसे पॉलिप कहते हैं, और अगर बहुत मल्टीपल है, जो कि यूजुअली मल्टीपल ही होती है, सिंगल तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस तरीके से जब होता है तो उसे कोरल रीफ्स कहते हैं। वर्ल्ड में बहुत अलग अलग टाइप के, इसमें सबसे बड़ी है ग्रेट बैरियर।
तो वहां पर उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई जो वहाँ के ट्रॉपिकल वाटर्स है, इक्वेटिक सिस्टम है, उन्होंने यहाँ पर सर्वे जब किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ का जो टेम्परेचर था वो एवरेज से अबव जा रहा था। साथ ही साथ 20 सालों तक जो है प्रवाल भित्ति उनके अनुसंधान के दौरान पूरे द्वीप में सर्वेक्षण किए गए 27 स्थलों के जल का तापमान सर्वाधिक देखने को मिला। तो ये सब चीजें हमको वहां पे जो है वो देखने को मिली है कोरल रीफ्स के रीजन में। ठीक है भाई, तो ग्लोबल सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। पे साइंटिस्ट को इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम ने भी यहाँ पर वॉर्न करा है कि भाई अब दोबारा से चौथे बार कोरल ब्लीचिंग इंडियन पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में, हिंद प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में ये चीजें देखने को आसानी से मिल सकती है। राइट, तो ये है कोरल रीफ के बारे में अभी इंफॉर्मेशन। एम्स के भी सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट का कहना है कि जो ये जो ब्लीचिंग होती है ना कोरल की, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस में है कोरल, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो काफी ज्यादा स्ट्रेस के होने की वजह से कोरल्स को, मतलब स्ट्रेस इन द सेंस की हीट स्ट्रेस हुआ है। ठीक है, तो एरियल सर्वे से भी देखा गया है कि भाई कितनी सीवियरिटी है, कितना ज्यादा कोरल रीफ को, कि कोरल रीफ जो है दे आर नोन एज ए रेन फॉरेस्ट ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जरूरत है इनकी। साथ ही साथ बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि सीवियर साइक्लोन्स का होना, स्टारफिश आउटब्रेक्स, इन सब की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली थी। ठीक है भाई, तो ये था पूरा आर्टिकल अबाउट द कोरल रीफ एंड कोरल रीफ्स अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा लक्षद्वीप जो है पूरा कोरल रीफ से बना है। अंडमान निकोबार में मैक्सिमम मिलेंगे, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, मतलब कुछ कुछ रीजन में जैसे मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ते हैं, हमें ऐसे ही कोरल रीफ प्रवाल भित्ति के बारे में भी सेम चीज पढ़नी होगी। कहाँ बनते हैं, किस रीजन में बनते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका कोरल रीफ के बारे में आर्टिकल। ऐसे ही आते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्पेसिफिक डिजास्टर। अब क्या होता है, मानव और पशुओं के बीच में एक संघर्ष, मतलब स्ट्रगल होता है, जिसकी वजह से किसी एक की डेथ तो होती है, जैसे केरला में हुआ। केरला ने बैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, जिसके अंदर मानव और पशुओं का संघर्ष होता है, उस केस को एक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये सब जो चीजें संभालने के लिए होती थी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा कि भाई कोई जानवर जो है वो चलते चलते ट्रेन के ट्रैक पे ना आ जाए। अब कोई जानवर चलते चलते ट्रेन के ट्रैक पे आ गया तो उसकी तो डेथ हो जाएगी ना, या फिर एनिमल अटैक हो गया, ये प्रॉब्लम होनी शुरू बहुत ज्यादा हो गई थी। तो केरला ने इसको डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया, एक आपदा घोषित कर दिया। तो अब यहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है, अब वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पहले हुआ करती थी, लेकिन अब केरला ने ये चीज डिक्लेरेशन जब से करी है, तो अब ये सब चीजें जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी इसके ऊपर जिम्मेदार है और देखेगा। तो इस पूरे में एक अथॉरिटी बनाई गई है, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे, साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग बैठेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा, जिसके हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, और पूरा ये जो नेशनल डिजास्टर और ये सारी चीजें जो है उनको यहाँ पर सेटअप यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक जो है वो स्ट्रक्चर बना है, जिसमें मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये जरूरत भी थी, क्योंकि आज के टाइम पे हमने बहुत सारी जो है इसमें जानवर जो है उनको पकड़ना, समाप्त करना, ये सब चीजें बहुत बढ़ती जा रही थी, और अभी सारी जिम्मेदारी सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के ऊपर छोड़ दी गई थी कि वाइल्ड एनिमल्स का जो है ह्यूमंस में वो आ ना जाए और वहां पे आके कोई दिक्कत ना करे, ये सब एक ही व्यक्ति पे छोड़ी गई थी, एक फॉरेस्ट में। तो इतने से काम नहीं चलेगा। अब ये सारी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर भी दोगे तो वो भी यहाँ पर जिम्मेदारी लेकर के इसको बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टेप एक लिया गया है। ऐसे क्या और स्टेट्स में भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर ओडिशा ने स्नेक बाइट को, ठीक है, मतलब कि सर्पदंश को एक आपदा घोषित किया। केरला में कोविड को भी कर दिया गया। उसके बाद हीट वेव्स का होना, सनबर्न, सन स्ट्रोक, इनको भी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स अलग अलग स्टेट्स ने डिक्लेयर किया। तो इस तरीके से ये है स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप में मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि हमेशा ही होता रहता है, लेकिन हाँ
काफी जहां पे रीजन में, जिस रीजन में कभी कोई ऐसी ट्रेन है वो मैन और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट वहां पे देखने को मिलते हैं, जहां पे एनिमल ज्यादा रहते हैं और वहां से ट्रेन गुजरती है, तो उस केस में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है चीजें। तो इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी कई आई हैं जिसमें उन्होंने ये चीजें बताई हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके ऊपर काफी बार जो है वो डिस्कशन हुआ है इस टॉपिक के ऊपर कि क्या है, कैसी चीज है। तो उसी के ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस तरीके की चीजें हैं। बिकॉज कभी कई कई बार क्या होता है कि जो है तारे गिरने की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एलिफेंट्स, सबसे ज्यादा एलिफेंट्स की डेथ जो है वो उड़ीसा में देखने को मिली थी, फिर वेस्ट बंगाल, असम। ठीक है, ये सब चीजें ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से देखने को मिलती है। तो एलिफेंट्स बहुत ज्यादा इस तरीके से होते हैं, ह्यूमंस ने उनको मार दिया, या ट्रेन से हो गई, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हो गई। टाइगर्स का भी ऐसा ही होता है, नेचुरल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बहुत देखने को मिलती है। तो अब ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सरकार यहाँ पर काफी चीजें कर रही है। तो ये रिपोर्ट भी आई थी, उसी का डेटा मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो पहली चीज तो यही है, सबसे बड़ा स्टेप, कि पहले तो अगर इस तरह की कुछ भी चीजें हैं तो उनको ट्रांसलोकेट करो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो। नहीं, अगर ऐसा शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है तो उनके लिए कुछ और नया स्टेप लिया जाए, जैसे कंजर्व करने के लिए कुछ भी स्टेप्स यहाँ पे लिए जाने जरूरी। राइट, ऐसे हमारा लास्ट आर्टिकल आता है, कंजम्पशन इंडेक्सेस NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने अपने समरी रिजल्ट्स को रिलीज करते हुए बताया है, जिसमें उन्होंने इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, हर चीज के बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने अपने सर्वे में पॉवर्टी के ऊपर, निर्धनता, गरीबी के ऊपर बात करके बोली है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन्स के ऊपर 2011-12 की पॉवर्टी लाइन्स 816 और 1,000 रुपये पर कैपिटा पर मंथ हुआ करती थी, मतलब कि गाँव के लोगों के लिए 816 और अर्बन के लिए 1,000 रुपये, ये हुआ करती थी। ठीक है, इन्होंने अब जो है इसको इंक्रीज कर दिया, 2022-23 का बेस ईयर जो है वो बढ़ा दिया, 1,622 रूरल के लिए और 1,929 अर्बन के लिए कर दिया है। और इन्होंने बोला कि पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी जो है वो कम हुई है। ठीक है, इन्होंने बोला है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर इंक्रीज, जो जो भी डेटा इनको प्रोवाइड किया भाई, NSSO जो है वो डेटा लेती है और नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स भी उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो सारा डेटा इकट्ठा करके किया गया। और पता है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं? उस मिनिस्ट्री को हम शॉर्ट में लिखते हैं MoSPI, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये एक मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये पूरा NSSO, NAS सब कुछ इंक्लूड आता है। और इन्होंने अपने 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 डेटा को कलेक्ट करके पूरा एक डेटा बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो कंजम्पशन का पैटर्न कैसा है उस पर भी इन्होंने बताया है कि भाई पैटर्न में चेंज आया है, शेयर ऑफ फूड जो है एक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जितना एक पर्सन खर्च करता है उसके, उसमें भी चेंज आया, फूड का शेयर यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, सीरियल्स का शेयर यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, अनाज की भागीदारी वो यहाँ पे कम हुई है, फ्रूट्स बेवरेजेस, फ्रूट्स का मतलब होता है फल, बेवरेज पेय पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड जो है वो इंक्रीज हुए हैं, वेजिटेबल कम हुआ है। ठीक है, नॉन फूड आइटम की हम बात करें तो दोनों में ही जैसे ये होता है ना, टॉयलेटरीज, प्रसाधन सामग्री, घरेलू वस्तु, वाहन, सतत वस्तु, सब में वृद्धि होने को देखने को मिली है, मतलब हर जगह पे इस चीज की खरीद जो है वो ज्यादा बढ़ी है। तो ये चीज इन्होंने है, और इसी में चेंजेस करेंगे तो CPI जो होता है हमारा, जिससे हम इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति, महंगाई को जांचते हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें जो है यहाँ पर चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बताया है। ये था छोटा सा आर्टिकल, ये भी याद रखिएगा। और आज के हमारे क्वेश्चन GI टैग पे हैं, क्योंकि बहुत सारे GI टैग्स रिसेंटली भी दिए गए हैं और पहले भी देते जा रही हैं। मैंने आप लोगों को ये वीकली करंट अफेयर्स में भी ऑलरेडी इस टॉपिक को कवर कराया कि कौन कौन से GI टैग अभी न्यूज में हैं, पहले कौन से दिए गए हैं, अभी क्या है। तो GI टैग भौगोलिक संकेत है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को दिए जा सकते हैं जो वहां की पहचान है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो तहत काम करता है वो ये पूरा प्रोवाइड करता है। चेन्नई में जाता है, पूरा 10 सालों के लिए रजिस्ट्री होती है। और भारत में पहला जीआई टैग जो है वो किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी को 2004 में ये जीआई टैग दिया गया है। राइट, तो आप ये पढ़ सकते हो, बिल्कुल सही लिखी हुई है। और सेकंड स्टेटमेंट में गलती ये थी, वहां पे एक्ट 1998 लिखा था, नहीं, जबकि वो एक्ट था 1999। और वो एक्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के तहत जो है वो साइन किया था इंडिया ने, ठीक है। और उसके बाद 2004 में ये टैग दिया है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट ठीक है। या आप किसी भी हैंडीक्राफ्ट आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को दे सकते हो, कोई भी वाइन है, स्पिरिट है, ठीक है, कोई भी ईटेबल आइटम है, वियरेबल आइटम है, उसको दे सकते हो। और इंडिया में सबसे ज्यादा जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु के पास मैक्सिमम जीआई टैग्स हैं इंडिया के। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बनते हैं। अब आता है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 की रिपोर्ट के बारे में आप क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो भाई ये जो है यहाँ पे कहता है, विमेन बिजनेस एंड लॉ 2024, ये रिपोर्ट फिलहाल ही रिलीज हुई है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहता है कि भाई लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से विमेन के लिए क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। और वायलेंस, चाइल्ड केयर, काफी इन चीजों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया है कि जितनी भी लीगल प्रोटेक्शंस दी गई हैं उसमें से विमेन सिर्फ 64% ही यहाँ पर चीजें ले पाती हैं, ठीक है। मतलब उसमें एक तरीके से यहाँ पर उसको ले पाती हैं चीजों को। और सबसे पुअर परफॉर्मेंस इस कंट्री की रही है वो है टोगो, जो कि उसमें अफ्रीकन रीजन में आती कंट्री टोगो, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स पे बताया। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की रैंक का ये 113, ठीक है, 113 कंट्री है, और थोड़ी कम होती जा रही है। यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के फीमेल को 60% राइट्स मिलते हैं, अधिकार हमारे पास 60% तक हैं फीमेल के पास। तो पढ़ सकते हो आप, सारी स्टेटमेंट्स ठीक ही लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से ये एक रिपोर्ट भी हम लोगों को याद करनी है, ठीक है भाई। ये हैं आपके इम्पोर्टेंट सारे करंट अफेयर इस पूरे टाइम पीरियड के। इस पूरे टाइम पीरियड को आपको ढंग से लर्न करना है, जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो भी। और ये रिपोर्ट भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें मैरिज रिलेटेड चीजों के बारे में, तो इंडिया को फुल स्कोर मिला है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया को सबसे कम स्कोर मिला है पे के मामले में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ना हमारा DPSP भी, उस मामले में इंडिया को काफी कम स्कोर जो है वो देखने को मिला। बाकी सब चीजों में इंडिया का स्कोर काफी अच्छा रहा है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए डायरेक्टली इसमें पूछी जाती है। राइट एवरीवन, जिसको पढ़िएगा, क्लियर करिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।